अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मेरे पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों, आज मैं आपको कामयाबी का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो राज बताता हूँ कि आप कैसे जल्दी कामयाब हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, बाज़ दफ़ा हम शिकवा करते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम शिकवा करते हैं कि हम जो है ना हर तरह से अपने सारी तौनियाँ लगाते हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो है ना डायरेक्शन सही नहीं होती है। तो उसके लिए मैं आज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना पेंसिल और कागज़ लें और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ज़िंदगी में आप जो है ना वो अपने लाइफ का जो है ना वो सारा ब्लूप्रिंट बनाएं। उसके बाद आप उसमें देखें कि भाई ये मेरी जो है ना अगर मिसाल के तौर पर 20 साल में या अपनी ज़िंदगी में मैं मुझे टोटली कितने पैसे चाहिए, यानी बिलफर्ज अगर आपको चाहिए पूरी ज़िंदगी में 1 करोड़, तो अगर आप काम कर रहे हैं 1,000 का, जिसमें वो 1,000 रुपया शाम को आप जो है ना वो अपने डेली एक्सपेंस में खा जाते हैं, तो क्या मुमकिन हो सकता है कि आप 1,000 साल भी अगर आप मेहनत तो कोशिश करते रहेंगे तो आप अपना जो मकसद है उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि भाई आपका जो पहला जो स्टेप है या जो आपका प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है, जो फिजिबिलिटी है, वो ही अगर सही नहीं है तो आप अपने जो मिसाल के तौर पर गोल हैं जो वो कैसे हासिल कर सकते हैं, तो वो ये आप सबसे पहले जो ना ज़िंदगी में मैं आपको बताऊं कि आप अपनी जो है ना जो पैसों की रिक्वायरमेंट का पूरा चार्ट बना लें कि आप मिसाल के तौर पर जो है ना वो कफालत करते हैं, आपने अपने बहन भाइयों की या अपने जितने भी मिसाल के तौर पर कोई भी आप पर जो डिपेंडेंट है उसकी भी कफालत करनी है, उसकी भी जो है ना वो ज़रूरियात पूरी करनी है, अपना भी मिसाल के तौर पर अगर आप घर बनाना चाहते हैं या दूसरी शादी का है जो एक्सपेंस है या दूसरा जितना भी है वो आप एक जो है ना वो बिल्कुल क्लियर जो है ना वो आप रिटर्न में लिख लें। उसके बाद जब आप 2-3 बार लिखें, फिर दूसरा ऑप्शन लिखें कि भाई अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको जितना भी एक्सपेंस को शॉर्टन करूं तो मेरा 1 करोड़ की जगह 80 लाख जो है ना मुझे मेरे पास हो तो मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। जब आपके पास पैसों का हो गया कि मैंने जो है ना वो 2 करोड़ मुझे चाहिए और ये 2 करोड़ मैंने जो है ना वो इतने सालों में कमाना है, तो फिर उसके बाद आप दूसरा काम मेरे दोस्तों क्या करें, वो देखें कि आपके पास ये 2 करोड़ कमाने का क्या उसी जो है ना वो डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप जो है ना वो आपका जो है ना बिजनेस या आपका प्रोफेशनल जो है ना सारा जो है ना वो ब्लूप्रिंट बनाना हुआ है, उसकी सारी फिजिबिलिटी है, आप इसको भी आप मिसाल के तौर पर जज कर सकते हैं। बिलफर्ज एक बंदा अगर 7वें ग्रेड का ऑफिसर है तो उसकी जो तनख्वाह वो अंडरस्टूड है कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी होगी, मेरे जो मंथली एक्सपेंस है इतने और इसमें मैं इतने जो है ना बचा सकूँ। अगर एक बंदा बिजनेस करता है, वो कोई भी बिजनेस करता होगा तो इसकी वो फिजिबिलिटी आप बना सकते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत करूँगा तो मैं इतने जो है ना ऑपरेटिंग कास्ट जो अपने सेल्फ ऑपरेटिंग कास्ट या जितने भी मैं और उसके अलावा मैं इतने पैसे बचाऊँगा और इतने सालों में मैं इतने पैसे कमा सकूँगा। मेरे दोस्तों, जब ये 2 काम आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि फिर आप में ये जज्बा और हिम्मत और अपने प्रोफेशनल को चेंज करने की जो है ना वो भी हिम्मत होगी। क्योंकि बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि वो सिर्फ इसलिए प्रोफेशन चेंज नहीं करते हैं कि भाई शायद जो है ना ये नौकरी छूटेगी नहीं। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास क्लियर प्लान हो जिसमें आप, मैंने आपको इलॉन मस्क की इसीलिए स्टोरी सुनाई थी, आप लाजमी इसकी डिटेल में पढ़ें कि आप देखें कि उसने कितने बार जो है ना वो नौकरी छोड़ी, निकाला भी गया, लेकिन क्या था कि उसके जहन में एक विजन था, एक टारगेट था कि ये हासिल करना है। आप भी ये ना मिसाल के पहले आप पैसों का जो है ना बनाएंगे तो लाजमी जब आप देखेंगे कि यार ये नौकरी तो हमें अपने ही अखराजात पूरी नहीं कर रही है तो मैं
जो है ना वो अपने जो मेरे गोल हैं 2 करोड़ के, करोड़ के या 10 करोड़ के, जो भी आपके मिसाल के तौर अपने जो है ना वो अपने जो मिशन में आप करना चाहते हैं, तो वो आप पैसों से शुरू करें। जब आप ये करेंगे तो फिर आप बहुत से ऑप्शन में जो प्रोफेशनल लाइफ में वो आप काम करने के काबिल हो जाएंगे। आप देखेंगे यार ये बिजनेस में जो है ना मुझे तो इतना कम फायदा हो रहा है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो बड़ा है, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें आप अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आपके जितने भी प्लान हैं जो एक्शन में नहीं आएंगे, उसका कभी रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ का जो है ना ब्लूप्रिंट बनाएं, क्लियर प्लान बनाएं, क्लियर जो है ना गोल रखें, और क्लियर आपको पता होना चाहिए कि ये पैसे मेरे पास अगर बिलफर्ज हों तो मैं जो है ना इन पैसों से क्या करूँगा। मेरे दोस्तों, मैं इसका गवाह हूँ कि मैंने तकरीबन स्पेशली मुसलमानों में जो है ना 90% लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके प्रॉब्लम पैसों के बाद ही शुरू हुए हैं। वो सोच रहे होते हैं कि भाई, स्पेशली हम मुसलमान सोच रहे होते हैं पैसा, देखें पैसा जो है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अगर आप इस्तेमाल करने का भी फन जानते हो, आपको पहले से पता हो कि भाई ये पैसा इतना मेरी जरूरत है और ये पैसा मैं यहाँ यहाँ खर्च करूँगा, वरना यही पैसा आपके लिए वबाल बन जाएगा। मेरे अपनी आंखों से मेरे दोस्तों सब लोग, लाखों लोग जो है ना वो देखे हैं कि जो है ना वो पैसों के बाद भी उसके मसाइल। तो इसीलिए आप अपनी जिंदगी में जो फाइनेंशियल जो है ना वो टारगेट बनाएं, उसके बाद आप उसके लिए एक्शन प्लान जब बनाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कामयाब होंगे और आप जो है ना लाजमी जो है ना अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। फिर आप बोल्ड हो जाएंगे कि आप जो जॉब भी अगर आपको वो गोल अचीव करने में मदद नहीं तो उसको छोड़ सकेंगे। मेरे दोस्तों, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब एक प्रोजेक्ट मैनेजर तक जो है ना मैंने बिल्कुल लगी लगाई नौकरी जो है ना मैंने छोड़ी है, वजह की थी कि मेरा गोल ये था कि इस स्टेज के बाद बहुत जितनी भी बड़ी नौकरी हो तो मैंने क्या करना है, बिजनेस करना है। तो ये क्लियरली हो तो फिर इंशाल्लाह बड़े से बड़े जो है ना आदमी स्टेप लेने से भी जो है ना वो जो है ना अपना कहते हैं कि भाई आपका जो सेंस आपको जो है ना वो ड्राइव करेगा, रोकेगा नहीं। तो ये आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। मेरा मकसद भी ये है कि मेरे दोस्तों, हम आपको अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके शेयर करें। देखें यहाँ पे स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो 99% लोग सिर्फ ये है ना वो बिजनेस करते हैं कि भाई हम जो है ना कोई वीडियो शेयर करेंगे तो हमें जो है ना वो इनकम आए। मेरे दोस्तों, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा एज ए मुसलमान मेरा ये मकसद है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो है ना जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया नॉलेज, में अपने पाकिस्तानी भाइयों से शेयर करूँ, ताकि अगर वो कोई भी थोड़ा सा भी उसको जो है ना वो उसको फ़ायदा हो तो ये हमारे लिए, मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। और हमारी कौम को इसी की ज़रूरत है, इसी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ कि लोगों को गाइड करें, सही डायरेक्शन दें, तो इंशाल्लाह ये मुल्क जो है इसको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। तो अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।